बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज की ओर से चंद्रपुर बंद रखकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें राज्य के वन संस्कृति व मत्स्य पालन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोरगेवार समेत बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए थे। यह आक्रोश मोर्चा पटेल हाईस्कूल से निकाला, जो गांधी चौक, जटपुरा गेट, प्रियदर्शनी चौक, बस स्टैंड चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। यहाँ पर एक शिष्टमंडल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के दौरान बांग्लादेश में हिंदू समाज की महिला व पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त घोषणाबाजी कर उसका तीव्र निषेध किया गया। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर चंद्रपुर भी पूरी तरह से बंद रहा। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। बता दें कि बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए वहां के नागरिकों ने सत्ता पलट कर डाला, जिसकी वजह से शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है। सत्ता पलट के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथी वहां के हिंदू समाज के परिवारों पर हमले कर रहे हैं एवं उन पर सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं। मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे भारत के हिंदुओं में बांग्लादेशियों के खिलाफ जबरदस्त रोष है। वहां के को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में चंद्रपुर में विशाल आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू भाई बहन शामिल हुए थे। यंग चांदा ब्रिगेड की ओर से गांधी चौक में आक्रोश मोर्चा का स्वागत किया गया तथा शीत पेय एवं शीतल जल की व्यवस्था की गई। मोर्चा पश्चात सुधीर मुनगंटीवार सेवा केंद्र बंगाली कैंप में मनोज पाल की अगुवाई में भोजन की व्यवस्था की गई। महान्यूज 7 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर, चंद्रपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100.